हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी अभी आइसक्रीम। तो आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए फुल फैट वाला मिल्क। बनाने के लिए हमें चाहिए ये फ्रेश अमूल क्रीम चाहिए। इसके बाद हमें कॉन्डेंस मिल्क चाहिए। ये मिल्क है नेस्टल मिल्क मेड। ये इस टाइप की कोई भी मिल्क है जो आपके पास, मेरे पास ये है तो मैं इसको यूज़ करूँगी। आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने से आइसक्रीम है इसका जो दूध है वो बहुत गाढ़ा हो जाएगा और चीनी से थोड़ा पतला हो जाता है। तो कोई भी आप कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। ये है कॉर्न स्टार्च, इसको इसको भी चाहिए। तो इसको भी हमें थोड़ा 1-2 चम्मच मिलाना पड़ेगा। और अगर आप ड्राई फ्रूट मिलाना चाहते तो ये भी ड्राई फ्रूट मेरे पास पिस्ता है, बादाम है, जो जो है मैं मिलाऊँ है तो उसका भी आप डाल सकते हो, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। और दूध गाढ़ा हो रहा है तो अभी हम उसमें जो जो डालना है वो डालना स्टार्ट करेंगे। क्वांटिटी के हिसाब से मैं इतना कॉर्नफ्लावर डालूंगी तो इसमें नहीं डालूंगी, अगर इसमें डालूंगी तो उसमें घाटा बन जाएगा। तो मैं अलग से दूध में इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। अच्छी तरह से मिक्स करते 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 मिक्स कीजिए। और मैं कंडेंस मिल्क के साथ मैं थोड़ा चीनी भी मिलाऊंगी। ये देखिए मैं ये चीनी मिला रही हूँ, चीनी मिला दिया। अब मैं इसको घुमाऊंगी। ये देखिए मेरा मिल्क कितना गाढ़ा हो चुका है। इसी तरह से मिक्स कीजिए। रेड कलर एसेंशियल है तो इसका भी आप डाल से अच्छी खुशबू भी आएगी और कलर भी अच्छी हो जाते हैं। आपको कलरिंग आइसक्रीम चाहिए थोड़ा कलर वाला तो वो भी हो बना सकते हैं आप। देखिए अब मैं इस कॉर्न स्टार्च को डालूंगी। डालते ही मैं उसको उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो अभी मैं इसमें ये अच्छी तरह से ये देख लीजिए मिक्स हो चुका है, काफी घना हो चुका है। ये देखिए अब मैं इसमें क्रीम मिलाऊंगी। ये क्रीम तो आप एक चीनी डाल सकते हैं उसके बदले में। क्रीम नहीं है तो कुछ भी फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, डाल के आप बना सकते हैं। मैं अभी काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अगर चाहे तो आप ड्राई फ्रूट वगैरह डाल सकते हैं इसमें, आपको जो चाहिए। मेरे पास ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं और आप इलायची को भी, इलायची वगैरह को पीस के उसका भी पेस्ट इसमें डाल सकते हैं, वो ग्राइंडिंग करके उसको। अब इसमें ये देखिए चॉकलेट का सिरप ये आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोको पाउडर नहीं है तो इस टाइप का सिरप है तो वो भी डाल सकते हैं। तो अच्छा कोको जैसा थोड़ा फील होगा खाने में। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। फ्रीजर से निकल लिया है आइसक्रीम। अभी आइसक्रीम खाने के लिए बिल्कुल भी रेडी है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ट्राई कीजिए, घर पर आइसक्रीम इसी तरह से बनाइए और सिंपल तरीके से बना के खाइए। तो अभी हम इसको डेकोरेट करके आपको दिखाते हैं।
तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये आइसक्रीम रेडी है अभी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ ग्रुप में शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। बाय बाय।